प्रकाश जी आपके क्षेत्र के विधायक हैं और विधायक विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, विकास कार्य क्या करवाए विधायक मोदी ने? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। विधायक जी तो बड़े बड़े दावे करते हैं, हमने बहुत विकास कार्य करवाए। स्कूल का बेड पंप के लिए बोला था, बालका के लिए, वो भी नहीं हुआ। कौन सा गाँव है ये? तिलवाड़ गाँव। विधायक साहब तहला में तो तहसील बनवा दिए, ठीक है, हॉस्पिटल बनवा दिए, बटो यही काम है जो और तुम्हारा कोई बड़ो काम दी को। अच्छा यहाँ अभी जो बुजुर्ग बाबूजी कह रहे थे कि पानी की बड़ी समस्या है, पानी की सबसे ज्यादा समस्या पानी की है। पानी की वजह से थोड़े बहुत दिनों में गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। गांव छोड़ के चले जाओगे? पानी कहाँ से आए? अशोक गहलोत बहुत ज्यादा वादे करके कि सरकार ने ये काम किया तो आपको कुछ लाभ मिला? अशोक गहलोत का तो एक भी वादा पूरा को तो दिख रहे हो मान तो, वो मोबाइल दुनिया ने बांट रहा है जो अल्लाह टक रहा है बीच में ही, जो भी पूरा को हो रहा है और वो ना भी कोई नहीं। पेंशन आ गया तो कोई क्या रही चेहर, कोई की कुआरी को आधा सा रहा चाहिए, आधी से बराबर चल आधी से बर को आवे, यही समस्या। राजस्थान में एक तिलवाड़ एक ऐसी पंचायत है उसके अंदर कब्रिस्तान नहीं है। कब्रिस्तान ही नहीं है? नहीं है। अच्छा, उसको नंदियों में वैसे जाना पड़ता है और कुछ भी नहीं है। तो ये समस्या तो पहले से चली आ रही होगी? आ रही है। और क्या नाम से एक तिलवाड़ में मैं रोड क्रॉस तो करके आना पड़ता है। आपकी पंचायत है पूरी जो आप बता रहे हो तिलवाड़, तो विधायक जी ने कोई कार्य करवाया है विकास का? विकास का बच्चों के लिए एक रुपया नहीं लगा, सही बोल रहे हो भाव जी कह रहे हैं एक रुपया नहीं लगा। एक रुपया को लगे तो कहां जाए? पूरी पंचायत में? पंचायत में लगे, हेडक्वार्टर पंचायत तो यही है सीनियर। कुछ विकास नहीं हुआ, टीचर वैसे भागते वगैरह तो कोई पढ़ाई नहीं कराते, कोई पढ़ाई नहीं कराते। राजस्थान में राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है, चुनाव आचार संहिता लगने में कुछ ही समय बाकी है। हमारी टीम आज थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है। यहाँ पर कुछ हमने देखा, ग्रामीण यहाँ बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे थे, बुजुर्ग भी हैं। आज हम इन्हीं से जानेंगे कि थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास हुआ, क्या यहाँ की समस्या है, कांग्रेस सरकार जो बड़े बड़े विकास के दावे करती आ रही है उसमें कहां तक सच्चाई है। क्या नाम है बाबू जी आपका? रंजीता। हाँ। आपके क्षेत्र में कोई विकास कार्य कांग्रेस सरकार ने कुछ करवाया है? कांग्रेस सरकार ने कुछ काम करवाया विकास कार्य? महाराज माँ कर तो दे मान तो वो बना बना और माँ कर तो गलत छोटा नौकर लगा दिया, नौकरी लग गया मीणा का। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपके क्षेत्र में अभी कोई आपको जो समस्या नजर आ रही जो अभी तक जिसका समाधान? पानी देने पानी को नहीं माँ गए, पानी नहीं है। हाँ। कितने सालों से ये समस्या है? 20 साल हो गई। 20 साल हो गई। हाँ। ठीक है, और भी है उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश मीणा। ओम प्रकाश जी आपके क्षेत्र के विधायक हैं और विधायक विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, विकास कार्य क्या करवाए विधायक मोदी ने? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। विधायक जी तो बड़े बड़े दावे करते हैं, हमने बहुत विकास कार्य करवाए। स्कूल का बेड पंप के लिए बोला था, बालका के लिए, वो भी नहीं हुआ। कौन सा गाँव है ये? तिलवाड़ गाँव है। हाँ जी। तो घोषणा तो की होगी ना विधायक मोदी ने? कुछ बोल के गए लगवा देंगे, आज तक नहीं लगे, घोषणा ही करके चल जाते हैं। क्या 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 कह रहे हो? अखबारों में भी निकलवा दिया, नल योजना चालू हो गई साहब, चालू करवा दिया, आपके राज तक एक बूंद पानी की नहीं है। तो कांति जी दो बार निर्दलीय विधायक रह चुके हैं, दो बार तो विधायक साहब ने कुछ तो कार्य करवाए होंगे। विधायक साहब टेला में तो तहसील बनवा दिए, ठीक है, हॉस्पिटल बनवा दिए, बटो यही काम है जो और तुम्हारा कोई बड़ो काम दी को। अच्छा यहाँ अभी जो बुजुर्ग बाबूजी कह रहे थे कि पानी की बड़ी समस्या है, पानी की सबसे ज्यादा समस्या पानी की है। पानी की वजह से थोड़े बहुत दिनों में गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। गांव छोड़ के चले जाओगे? पानी कहाँ से आएगा, पानी बिगर क्या करेंगे, गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अभी आपने अपनी समस्या के लिए विधायक साहब से बात करी? विधायक साहब से एक बार नहीं 18 बार बात कर ली, लेकिन विधायक साहब सुनते ही नहीं है। बोलो मैं क्या करूं, तुम्हारे एरिया में पानी नहीं है, ये जवाब देते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, कांति जी निर्दलीय भी रहे हैं। बीजेपी का तो कोई यहाँ आया ही नहीं है हमारे पास अब तक, अब तो हम तो कांति जी हमारे विधायक है उन्हीं से बोलेंगे और उन्होंने वो यही जवाब देते हैं, तुम्हारे एरिया में पानी नहीं है, मैं क्या करूं। अरे पास में गोर्धनपुरा गाँव है, रामपुरा गाँव है जहाँ नल योजना चालू है, एक तिलवाड़ में ही क्या है, यहाँ क्यों नहीं है? तो फिर पानी की व्यवस्था कैसे कर पाते? पानी की व्यवस्था मात्र एक ही हैंडपंप है,
पूरे गांव के लिए पानी पीने के लिए केवल एक हैंड पंप है जो आज से कम 30 साल पहले का लगा हुआ है। वही एक जल स्रोत है, वही एक जल स्रोत है और कोई नहीं है। तो पूरा गांव यहीं से पानी पीता है। बड़ी समस्या में रहते हैं, बहुत ज्यादा समस्या है। अच्छा, अभी चुनाव का समय आ रहा है और बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, अशोक गहलोत बहुत ज्यादा वादे कर गए कि सरकार ने ये काम किया, तो आपको कुछ लाभ मिला? अशोक गहलोत का तो एक भी वादा पूरा को तो दिख रहे मान तो वो मोबाइल दुनिया ने बांट रहा है जो अल्लाह टक रहा है बीच में ही, जो भी पूरा को हो रहा है और वो ना भी कोई नहीं पेंशन आ गया तो कोई की आ रही चेर कोई की कुआरी को आधा सा रहा चाहिए आधी बरा हो चाहे आधी बर कुआ यही समस्या। और जी 1998 में कांग्रेस पार्टी का यहाँ विधायक बना, इसके बाद कांग्रेस पार्टी यहाँ पर इस थानागाजी में अभी तक जीत नहीं पाई, तो क्या कारण मानते हैं आप ऐसा? कांग्रेस जीत क्यों नहीं रहा आपके थानागाजी में? तो जातिगत वो हो रहा है बस। अभी जैसे हम रास्ते में बात करते आ रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि कांग्रेस जो पार्टी है यहाँ से बाहरी प्रत्याशी को मैदान में उतार सकती है थानागाजी, तो बाहरी प्रत्याशी यदि मैदान में उतरता है तो क्या स्थिति रहेगी? स्थिति गलत ही रहेगी, बाहरी उतरो चाहे यहाँ का उतरो स्थिति गलत ही है यहीं। तो आप ये चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से भाजपा से कि आपकी एक तो सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी की समस्या सबसे बड़ी है, अगर पानी की समस्या हल हो जाए कोई सी भी पार्टी करवा दे तो इस गांव के सारे वोट उसको मिल सकते हैं। भाव जी क्या नाम है आपका? जगन लाल है। कैसा है आपके यहाँ का माहौल? बता दी जो बाबू जी वोट तो आप भी डालने जाते हो? वोट तो डालांगा सर। डालते हैं? डालांगा। तो पेंशन वेंशन मिल रही है नहीं मिल रही है? पेंशन तो साहब 2 महीना की अटक रही मिल रही है। मिलती है? कितने रुपए मिलती है? साहब 750 मिल जो 1000 कर जो 1000 तो लाया कोई जब 2 महीना नाम कांटी आ जाए तो आ जाए। तो अभी क्या 750 का हिसाब चल रहा है? 750 कौन ले रही है 2 महीना तो? अच्छा अच्छा, तो पेंशन अभी 2 महीने से मिल नहीं रही है? 2 महीना की कौन आई वो पुल खजाना सरकार खजाना पैसा ही कोई नहीं है, सरकार खजाने पैसे नहीं है। तो ये आपके यहाँ शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अस्पताल है? शिक्षा में भी सुनो हमारी बात, स्कूल में भी काय भी कोई स्कूल में काय भी कोई छोरे 4 दिन डोले मास्टर 4 दिन कुर्सी तोड़े, मास्टर 4 दिन कुर्सी तोड़ते हैं? तो आप कहते नहीं मास्टर जी पढ़ाते क्या नहीं हो? अभी साहब चले जाओ खफड़ा आ जा कैसे फड़ा पढ़ाए ध्यान नहीं दे रहे, तो कुछ आप भी करो विधायक साहब से नुक साहब बच्चों को पढ़ाओ। विधायक साहब ने काय खा विधायक साहब ने खूब खेची। अब भाजी क्या क्या कहते हैं भाजी बच्चों को? बच्चों को शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही है? अब मिल रही है नहीं तब तो। अच्छा, और अस्पताल अस्पताल की सुविधा हुई है नहीं हुई? तो काय नहीं कोई बच्चे को? अच्छा अच्छा, पानी पीने का नहीं ना यार पानी को नहीं स्कूल में यार पंप नहीं, ये तो इनके टंकी है सुनो मेरी बात, इनकी टंकी खेत के नजदीक पड़े थे जो बाढ़ थी जो स्कूल का इनकी टंकी मार पानी पी ली थी नहीं उड़े स्कूल में। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या क्या लगता है आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में कितना क्या विकास करवा दिया विधायक जी? पूरे राजस्थान में एक तिलवाड़ एक ऐसी पंचायत है उसके अंदर कब्रिस्तान नहीं है। कब्रिस्तान ही नहीं है? नहीं है। अच्छा, उसको नंदियों में जब वैसे जलाना पड़ता है कुछ भी नहीं है। तो ये समस्या तो पहले से चली आ रही होगी? आ रही है। और क्या नाम से एक तिलवाड़ में मैं रोड क्रॉस करके आना पड़ता है। आपकी पंचायत है पूरी जो आप बता रहे हो तिलवाड़, तो विधायक जी ने कोई कार्य करवाया है विकास का? विकास का है बच्चों के लिए? एक रुपया नहीं लगा? सही बोल रहे हो भाऊ जी, कह रहे 1 रुपया नहीं लगा? 1 रुपया को लगे तो कहां जाए? पूरी पंचायत में? पंचायत में लगे हेडक्वार्टर पंचायत तो यही है सीनियर स्कूल। कुछ विकास नहीं हुआ? टीचर वैसे बात करते कोई पढ़ाई नहीं कराते, कोई भी कोई पढ़ाई नहीं कराते। कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है सर? दुनिया भर की जो पटवारी सरपंच अलॉटमेंट करवा लिया लेकिन उसके लिए नहीं करवाते, कोई व्यवस्था नहीं। अलॉटमेंट तो जाती है पैसे दे देंगे। यहाँ के ग्रामीणों की 2 बड़ी समस्याएं हैं, एक तो पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है जो एक ही नलकूप है हेडपंप पे, और बता रहे हैं कि विद्यालय में टीचर है पढ़ाते नहीं है, उसके पश्चात शमशान भूमि की सबसे बड़ी समस्या है जो बता रहे हैं, जिस पर सरकार के द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।